अगर दोस्तों मैं आप लोगों को कहूं कि सनातन के पत्नी ने एक कुत्ते को जन्म दिया तो क्या आप लोग भरोसा करेंगे? नहीं करेंगे। हमें मालूम है कि आप लोग भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ये वीडियो का क्लिप आप सुनिए, उसके बाद कमेंट कीजिएगा कि सनातन अपने पत्नी को क्या कहते हैं इस कुत्ते के बारे में। जरा ये वीडियो का क्लिप सुनिए और ये वीडियो देखिए। हमारी मम्मी ने एक नंबर के बदमाश हो गई है, सिर्फ हमको मारती रहती है, खाना नहीं देता समय समय पे। तेरे मम्मी का एक वाकई में जितना प्यार ये कुत्ता अपने सनातन की पत्नी के लिए जितना ये प्यार दिखा रहा है, मुझे तो लग रहा है ये सच में सनातन की पत्नी इस कुत्ते की मम्मी जरूर है। अगर मम्मी नहीं होगी तो गर्लफ्रेंड तो जरूर है, क्योंकि सनातन बोल रहे हैं कि हाँ तुम्हारी मम्मी मुझे खाना नहीं देती है। तो देख सकते हैं कि कुत्ता किस प्रकार से रिएक्शन कर रहा है सनातन के साथ, आप देख सकते हैं यहाँ वीडियो पर। नहीं मारेंगे। चलो दोस्तों आप लोगों को दूसरा सीन दिखाता हूँ। सनातन बोलते हैं इस कुत्ते को कि खाटी पर बैठो, लेकिन देख सकते हैं ये अपने माँ की गोद पर बैठता है। यानी सोच सकते हैं तो आप शायद ये भी सोच सकते हैं कि कुत्ता या तो माँ मानती हो, यानी माँ मानती है तो आप समझ सकते हैं कि शायद सनातन की पत्नी इस कुत्ते को जन्म दिया, ऐसा हो सकता है। हो सकता है दोस्तों, नहीं हो सकता है, क्योंकि इंसान कुत्ते को कैसे जन्म दे सकती है। तो शायद ये कुत्ता ये मानता होगा कि सनातन की पत्नी उनका गर्लफ्रेंड है, ये ठीक रहेगा। सनातन भाई आज से यही बात यूज कीजिएगा आप। मतलब हैप्पी जहाँ से बैठने वालों खड़िया में जाके वही गोदी पे ही बैठना है, मम्मी को सतानी में पड़ी रहती है ना तू बारे। अरे हाँ सनातन भाई, मम्मी को क्यों नहीं सताएगी? अरे भला खून का रिश्ता हो सकता है, तो इसलिए मम्मी को सताना तो एक बेटे का फर्ज बनता है। सता देगा तुम्हारा रास्ता से देखना।